हेलो दोस्तों। तो 13 तारीख के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज मैं आप लोगों के लिए उनके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि किसने लीड किया था 1857 का रिवोल्ट कानपुर में, तो नाना साहेब ने किया था। इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। आदि महोत्सव 2023 में कहाँ पे हुआ था, देखो एक तो झारखंड में किया है, ओके। अर्जुन मुंडा जो वहाँ पे, जो पर्टिकुलरली आपको पता होगा ना, जो कल्चर मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने किया था, ठीक है। एक हुआ था नई दिल्ली में जो कि पीएम ने किया था, तो आप देख सकते हो उसमें से कौन सा है। लाल बाल पाल है आपका, लाल बाल पाल तीनों का आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक है ना, लाला लाजपत राय है ना, और बिपिन चंद्र पाल, ये आपको पता होगा। गरम नरम का उदय किस आंदोलन के बाद होता है, 1905 में हुआ था, बंग बंग आंदोलन के समय हुआ था, ये भी आप लोग कह सकते हैं। 1906 में स्प्लिट हो गया था, 1916 में वापस मर्ज हो गया था। चंपारण रॉलेट एक्ट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा गया था, तो चंपारण 1917 आपको बताया। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, अब्दुल गफर खान को कहते हैं, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। लैंग्वेज का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है भारत में के संविधान में, 350वां आर्टिकल है हमारी राजभाषा का। भारत रत्न जो टाइटल है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो 18 के अंतर्गत आता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर का यहाँ पे MOU हुआ था किस कंट्री के लिए, तो बेसिकली IBM का हुआ था भारत के साथ में। मे बी ये कुछ और भी हो सकता है, बच्चे ने यहाँ पे कीवर्ड दिया है बस। MiG-21 आपसे आज पूछा गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कब इसको बैन कर देंगे ये भी है। 2024 तक हमने इसको बैन करने के लिए बोला है। घातक UAV अनआर्म्ड व्हीकल, अनमैंड आर्म्ड व्हीकल आप बोल सकते हो, एरियल व्हीकल आप बोल सकते हो। तो DRDO की कोई एयर डिपार्टमेंट है, मतलब उनका जो डिपार्टमेंट है उसने किया है, ठीक है। सिविल सोसाइटी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। राजा सूरजमल भरतपुर, इन्होंने भरतपुर साम्राज्य की स्थापना करी थी, सुजान सिंह भी इनको कहते हैं। गयासुद्दीन बलबन कौन सी डायनेस्टी का था, तो स्लेव का था पता है। अयोध्या जनपद से कोई क्वेश्चन था, मे भी हो सकता है कि कौन सी नदी के पास था, ओके, या फिर कुछ और हो सकता है। तो सरयू नदी, अगर आप नदी पूछा है तो सिर्फ यहाँ पे नदी हो सकता है सरयू वाला। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में आपको क्या नहीं मिला है, तो हॉर्स के यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा में पूजा नहीं होती थी किस भगवान की, तो विष्णु भगवान की यहाँ पे पूजा नहीं होती थी। सबसे पुराना वेद कौन सा, तो ऋग्वेद है। मनुस्मृति लॉ, मतलब मनुस्मृति किस रिलेटेड है, तो लॉ है बेसिकली, सोसाइटी के रूल्स के बारे में भी हो सकता है ये, तो मनु ने लिखी थी, पहली लॉ बुक है हमारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चैतन्य गुरु 16वीं शताब्दी में जो थे वो किस स्टेट के थे, तो बंगाल से थे, लेकिन इनका जो मृत्यु होती है या फिर वो उड़ीसा में होती है। नाथपंथी सिद्ध योगी, ठीक है, भक्ति ट्रेडिशन था नॉर्दर्न इंडिया में, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेसर टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा, जैसे आपको पता होगा नॉर्थ में आपका क्या होता है नागर होता है ना, ठीक है, साउथ में द्रविड़ होता है, तो ऐसे आपको सारे के सारे टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे फेमस किंग चालुक्यन एम्परर कौन था, तो चालुक्य पुलकेशिन सेकंड था, ओके। सबसे फेमस चालुक्य एम्पायर पुलकेशिन द्वितीय। पॉलिसी थी कोई सुप्रीमेसी पॉलिसी गवर्नर जनरल की, तो ये कौन लेके आया था, ये पूछा गया था आपसे। डिफाइंड बाय विच, मतलब कि जो सोसाइटी है न्यायपूर्ण, कुछ यहाँ पे पूछा गया था, कीवर्ड बच्चे ने बोला है। विनबेक्स युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो इस बार हनोई वियतनाम में होता है, वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, ओके। स्त्री पुरुष तुलनम किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने लिखी है। पानीपत 3 का युद्ध लीडर में, मतलब जो वॉर हुआ था उसमें लीडर कौन था, शिवाजी सदाशिव राव भाऊ था, मराठा की तरफ से ट्रिपल अलायंस था मराठास का, ओके। होलकर्स भी थे इसमें, और एक और था इसमें, और किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे ये, अफगानिस्तान, अफगान जो रूलर था कौन, अहमद शाह अब्दाली के लिए। राजा राम मोहन राय के पे दो स्टेटमेंट थी, पाक इंडिया वॉर का 1965, ठीक है, पाक इंडिया वॉर का 1965 है। फरक्का ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर विच रीजन, ये भी आपसे पूछा गया है, क्या रीजन था इसके पीछे, तो आपको पता है इरिगेशन का होगा, गंगा रिवर का पानी कैसे कैसे इरिगेट होगा वो है। गांधी जी ने विजिट किया था कौन से टाउन में, जो आज की डेट में बांग्लादेश में, तो नोआखली में विजिट किया था। सीक्वेंस पूछा गया था, सीक्वेंस पूछा गया था सिंधु का, ताशकंद का, मुजबिर के हत्या का। जीएसटी काउंसिल कौन से उसमें है, तो 279A में। फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी का कौन कौन सा है, तो 44th आर्टिकल से इसको हटाया गया था। अगर आपसे आर्टिकल पूछा गया तो 19(1)F है इसका, ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ था, तो डबल्स का टाइटल जीता इस बार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में। फ्रांस में यूपीआई पहला है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है फ्रांस, जहाँ पे हमने यूपीआई किया है। तो ना यहाँ पे क्या सिनेरियो बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे सिनेरियो ये था कि जो एफिल टावर देखने में यहाँ पे टिकट लगता है ना, तो उससे यहाँ पे यूपीआई कर सकते थे आप। कार्तिकेय मुरली ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर बाय फाइड इंडिया, जो चेस की वो होती है उसने करा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने रोहतक में क्या अनवील किया है, महंत श्री चंद्रनाथ योगी की मूर्ति को। फर्स्ट एम्स कॉलेज नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर है, एम्स गुवाहाटी है। इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड स्टेट रहा था भारत का, तो ये सिक्किम रहा था 1975 तक, पता होगा आपको। लक्ष्मण नायक स्टेट कौन सा, उड़ीसा है। कोकोबोरक भाषा कहाँ की है, तो त्रिपुरा की है। तिब्बती बर्मीज लैंग्वेज है।
IPKF का इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इसकी क्या है फुल फॉर्म है। नीति आयोग रैंकिंग किसको दी गई फर्स्ट, जो नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक में फर्स्ट रैंकिंग है वो तिरियानी ब्लॉक को दिया गया तेलंगाना से। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन था कुछ क्वेश्चन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का वर्क आपसे यहाँ पे पूछा गया था ना, अब मुझे बताना आर्टिकल 270 या 280। रेसिड्यूरी पावर्स पूछी गई थी आपसे। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया था। कलमकारी आर्ट जो होती है वो कहाँ की होती है, आंध्र प्रदेश की होती है। गुप्ता का जो मेहरौली पिलर था ओके वो कहाँ का है, तो आयरन पिलर था ये, कहाँ का था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, गुप्ता का रूलर था और ये मेहरौली दिल्ली में। पॉलिटिकल प्रेशर कुछ पूछा गया था, लॉबिंग है कि मनी से कुछ था। कॉन्स्टिट्यूशन सीमा निर्धारित करती है किसकी करती है, अमेंडमेंट की या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की, ये कुछ पूछा गया था। इमरजेंसी में कौन सा राइट कंटिन्यू रहता है, 2021 रहता है, जीने का अधिकार और डबल जियो पार्टी आपको पता होगा। 73rd और 74th अमेंडमेंट किससे किसकी बात नहीं करता है, तो पंचायत की बात नहीं करता है और मतलब पंचायत की बात करता है और म्यूनसिपैलिटी की बात करता है, इसके अलावा कुछ होगा तो वो आपका आंसर होगा। व्हाट इज गैरिसन, गैरिसन होता है जहाँ पे सेना रहती है, सेना की छावनी। हाउ मेनी टोरंस, कितने टोरंस थे सांची उस्तपा में, चार थे। रैयत बड़े सेटलमेंट से अगर कुछ पूछा गया था तो ये थॉमस मुंडू ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले तमिलनाडु के मद्रास में स्टार्ट किया था। सती रेगुलेशन, अगर सती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो ये था कि भाई कब लागू, मतलब कब आया था, 1829 में। लॉर्ड बेंटिंक ने रेगुलेशन कौन सा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो अंडर 17 आप बोल सकते हो ना 17, ठीक है। रेगुलेशन 17 के तहत सती को भारत में बैन किया था, इसके पीछे कौन थे, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। एक कॉम्प्रिहेंशन एक पोएम पूछा गया था, ऑलमोस्ट पांच पांच क्वेश्चन पूछे गए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं थे, कभी यहाँ कभी वहां पूछे गए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस आया था, करेक्ट स्पेल्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे पूछा गया था। मैथ वॉज कैलकुलेटिव इन पेपर टू, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। तीन चार क्वेश्चन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। मैनेजमेंट ऑल्सो हैड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्योरीज एंड दोज हु प्रोपाउंडेड देम, जिसने पढ़ा होगा ठीक है, मतलब किसने वो थ्योरीज निकाली है। लोकल विंड लोकल रेन से कोई क्वेश्चन आया था। गोरी गंगा थी भाई नेपाल में, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे आपको काली गंगा पता होगा ना, शारदा कहते हैं काली नदी को। ग्लेशियर नेम इन नेपाल को, नेपाल में ग्लेशियर था। फरक्का बैराज की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या होता है गंगा का पानी इरिगेशन के लिए काम आता है। दिबांग किसकी ट्रिब्यूटरी है, रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तमिलनाडु में रेन क्यों पड़ती है, व्हेन डू दे रिसीव द रेन, तो वहां पर आपको पता है ना, वहां पे लौटते हुए मॉनसून से रेन होती है ओके, रिट्रीटिंग मॉनसून से। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन वॉज हुज ट्रॉपिकल साइक्लोन अराइज इन बे ऑफ बंगाल, तो कौन सा यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बंगाल में होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइफून तो नहीं आता ना, साइक्लोन आप बोल सकते हो, साइक्लोन ही आता है यहाँ पर ना। हरिकेन कहाँ पे आता है, जापान की तरफ में आता है। विली विली कहाँ पे आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं आज, उसके आंसर भी बताए हैं। और भी कोई क्वेश्चन आया होगा तो आप कमेंट में लिख देना, सो दैट कि जो बाकी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं उनको यहाँ पे पता चल जाए।